सबसे पहले रिलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 310। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, चार हैं ये लोग। FSR, ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाओ, कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, एफ एस आर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और बी का डेबिट बैलेंस कितना, 85,000, ठीक है जी। करंट अकाउंट में आ जाओ, 50,000, एक लाख, और बी देव का डेबिट बैलेंस 87,400, ठीक है जी। लोन अब रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, लोन ले रखा है और करंट लायबिलिटीज 5 लाख एंड 70,000, 5 लाख 70,000 टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, डेटर, स्टॉक, अदर करंट एसेट्स, ठीक है जी। 50,000 1,25,000, 1,25,000, 70,000, 4 लाख, 3 लाख, 22,600, 22,600, लो जी, 3 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 17,600, 12 लाख, 17,600। अब देखो जी, बिकने की बारी आई, बाय बैंक अकाउंट, लैंड बिक गया 200%, यानी 1 लाख,
बिल्डिंग बिकी है 120%, यानी कि 3 लाख, 20% एक्स्ट्रा मिले हैं। कंप्यूटर्स बिके हैं 70%, यानी 49, डेटर्स 95, 5% कम, यानी कि 20,000, 3 लाख, 80,000, टॉप 90%, 2 लाख, ठीक है जी। यानी कि बिकने पाई तो सिर्फ 5 एसेट बिके हैं। अब जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है जी। वो पूरे में बिकते ऑफिस इक्विपमेंट 1,25,000, अदर करंट एसेट्स 22,600। अच्छा जी, जब वापस करने के बारी आई लाइबिलिटीज की, लोन को 1% एक्स्ट्रा देना पड़ा हमें प्री पेमेंट का प्रीमियम, 5 लाख का देना पड़ा, 5,50,000। करंट लाइबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो 70,000, 5 लाख, ठीक है जी। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 12,46,000, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है जी, रेशियो क्या है, ठीक है जी। ये सारा आ जाएगा करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट। बाय रियलाइजेशन 9600, सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट हुआ उसका अकाउंट क्लोज करें, ठीक है। बाय ट्रांसफर टू कैपिटल 85, टू करंट अकाउंट 85, यानी उसके देने हैं 1,70,000। बट 1,70,000 कहते हैं बी इज इंस्टॉलमेंट, द नो अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम हिज फादर आर देव, हावर एग्रीड टू बेयर 50% ऑफ हिज डेफिशिएंसी। देव इज लो 85,
इसके आधे उन्होंने आर ने कहा था मैं बियर करूंगा, आर कैपिटल दैट इज 85, बाकी जो पैसा है वो तीनों बांट लेंगे आपस में बाय एफ बाय एस बाय कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल। इनकी आपस की रेशियो है 4:4:1, ठीक है जी, दैट इज 34,070। गॉट इट। बाकियों को भी करंट अकाउंट और ये लिख देंगे 2B's कैपिटल अकाउंट। 29,000 इसने दिया, 29,000 इसने दिया और 17,000। अब करंट अकाउंट भी क्लोज कर दो, ठीक है जी, 1,12,000। टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ठीक है जी। ये जो पैसा बटा है कैपिटल रेशियो में बटा 2:2:1 कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो 2:2:1 बाय करंट अकाउंट, ठीक है जी। बाकी इनको कैश 259,600, 2,12,000, ठीक है जी। बैंक में पड़े हुए हैं 75, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,75,000 बाय एफ कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड बाय आर कैपिटल, ठीक है जी। इसमें खास पॉइंट ये था जो उसका फादर था वो आधी डेफिशिएंसी खुद अपने सर ले रहा था और बाकी
जो था, बाकी जो पार्टनर यही बचे एफएसआर, अपनी किसमें बांट रहे हैं, कैपिटल रेशियो में। ये डेफिशिएंसी, हाँ ये 50% डेफिशिएंसी, और जो बाकी 50% है सबने बांट दिया प्रोजीनो। ठीक है जी, चलें आगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेशन कर लो। काफी पॉइंट्स इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तीन पार्टनर हैं, KLMN, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, ₹35,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अदर एसेट्स क्या है? इधर ऐसे भी होगी प्रोविजन, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल बैलेंसेस KNN का तो क्रेडिट बैलेंस, माय बैलेंस ब्रॉड, टू बैलेंस ड्रॉप, 20,015।
सारा जो दिमाग लगेगा इसमें आपका रियलाइजेशन में। एल एन एम का है 20,000 जी। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ऑन 31st द फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो कैपिटल। जनरल बात है, पता ही है हमें, ठीक है ना, कोई इसमें जर्नलिज्म नहीं, कुछ नहीं है। सॉल्वेंट पार्टनर्स नॉर्मली के एन एन ही होंगे इसमें। देखो जी, के इज टू टेक ओवर 60% ऑफ बुक डेब्ट्स बाय के इज कैपिटल अकाउंट। 35,000 दिया, इसका 60% कितने में ले गया, 70%। कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एंड एन इज टू टेक ओवर बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, 40%, वो कितने में ले गया जी, 75%। कहता है के एन एन को कमीशन दी गई है केस कैपिटल अकाउंट 21 एंड एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एन इज टू रियलाइज द अदर एसेट एंड टू पे द क्रेडिटर, ही इज टू रिसीव 5% ग्रॉस कमीशन ऑन अमाउंट फाइनली पेबल्स टू अदर पार्टनर एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सारे के सारे खर्चे वो खुद बियर करेगा, तो 5% कमीशन मिल जाएगी लास्ट में। चलो कोई बात नहीं। अदर एसेट रियलाइज एट ए लॉस ऑफ 2% ऑन नेट कलेक्शन, यानी कि बाय बैंक कैश में कैश अकाउंट। अगर कोई चीज आपकी 102 की है तो हमें सिर्फ मिले हैं उसके 100, ये मतलब है उसका, ठीक है जी। एक्सपेंसेस वो खुद ही बेयर करेगा। आगे चलो, एल इंसॉल्वेंट हो गया, 20% ने रिलाइज हुआ, ठीक है जी। अब पहले इसको क्लोज करते हैं। लो जी, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी करनी है क्योंकि लाइबिलिटीज को अच्छे से चेक कर लो हमेशा, ठीक है जी। 35,000 का 60% 16,000 10,500 इसके मिले हैं 50, ठीक है जी। लो इसने 86,000 ठीक है जी, क्या क्या छूटा इसमें, क्रेडिटर्स हैं कितने के आपके, 30,000। क्रेडिटर्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, अच्छा हाँ सॉरी, क्रेडिटर्स के बारे में बोला है, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया है आपको 30% का, ठीक है। यानी कि आपने उनको पे कितना किया, 70%। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में पहला एक क्वेश्चन आया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2100 एंड क्या, ठीक है जी, टू रियलाइजेशन
10 ठीक है जी। ओके हुज फोन है जी, इसमें इंसॉल्वेंट है एल, इंसॉल्वेंट है एल, 20 पैसा मिल गया। पहले सबसे पहले एल का अकाउंट क्लोज करो, बाय कैश अकाउंट 20% हो गया 4, बाकी बचे 16,000 जो कि कौन बांटेंगे आपस में, के एंड एन, डेबिट वाला नहीं बांटेगा ठीक है जी, डेबिट वाला नहीं बांटेगा। तो के एंड एन बांट लेंगे अपनी कैपिटल रेशियो में, एंस कैपिटल, कैपिटल रेशियो 11,200 ये बांट देगा और 4,800 ये, और ये ले लेंगे 2L's कैपिटल, ठीक है जी। इसका अकाउंट क्लोज, M का भी डेबिट बैलेंस चल रहा है, M को भी क्लियर करो फट से, M से मंगवाएंगे 15,000 रुपये, तेरा मेरा हिसाब खत्म। ठीक है जी, अब कमीशन की बात है, एन को कमीशन मिलेगी उस अमाउंट की जो फाइनली पे होगा किसको, के को, क्योंकि के को ही पे होना और किसी को तो पे नहीं होना। तो अमाउंट ड्यू टू के, क्रेडिट साइड 72,100, डेबिट साइड 14,700, अभी उसके देने हैं 46,200। ऐसे देना है कि जो उसकी पेमेंट आया उसका कितना होना चाहिए 2%, उसका कितना होना चाहिए 2% के 5%, राइट 5%। सो कमीशन ऑफ एम, सॉरी कमीशन ऑफ एन्स कमीशन 5/100 and 5/2200, ये रिसीव कर लेगा बाय केस कैपिटल बाय, वर्किंग नोट में देना है एन टू एन बाकी, अब फाइनली पेमेंट कर देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर 72,100 ये सब खेल सारा पैसे का ही होता है दुनिया में 44 देखो जितना उसको दे रहे हैं उसी का वो 5%। ठीक है जी, कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश बैलेंस कितना है देखो 14,000, बाकी टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है जी, बाय केज अकाउंट, बाय केज कैपिटल अकाउंट बाय एन कैपिटल, एंड इसने भी दिए हैं टू एल्स कैपिटल, M's कैपिटल 15,
Okay, pause the video and copy the answer. ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 105। देखो जी, ये क्वेश्चन जो है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का है। किसका है? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। जब ऑल पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो किससे कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, ठीक है? The firm was dissolved due to insolvency of all the partners. पहले ही लिख दिया उसने, पहली लाइन में ही लिख दिया all partner insolvent. All partner insolvent का मतलब ये है कि हम ये नहीं बता सकते भी किससे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होता है, जो अनसिक्योर्ड पेमेंट्स होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स वगैरह, ठीक है, इनकी पेमेंट रोक ली जाती है, जो कैश में बचता है फिर वो इनको पकड़ा दिया जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लो, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है जी। सन्ड्री एसेट में जो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, 15,600, 4,720, 9,520। ठीक है जी। अब क्रेडिटर्स आपके हैं 20,000 के, इनकी पेमेंट अब फिलहाल नहीं करेंगे। लोन 10,000 का सिक्योर्ड बाय फर्नीचर, तो उसमें क्या आएगा, जो फर्नीचर जितने बिकेगा वो तो हम लोन में पकड़ा देंगे, बाकी सारा उसका डेफिशिएंसी में चला जाएगा, बाकी सारा कैसे में चला जाएगा, डेफिशिएंसी। इसलिए इन दोनों को रोक लेते हैं। कहता ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, स्टॉक सोल्ड फॉर 9,900 बाय कैश, स्टॉक बिक गया 9,900, फर्नीचर 5,000, और डेटर्स से मिले हैं 4,100। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस
ठीक है जी, ओके, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम बीटा एंड गामा, 600 सिर्फ अल्फा से मिले। लो जी कोई बात नहीं, पहले इनको क्लोज करते हैं। अल्फा बीटा गामा PSR लगाएंगे इसमें इक्वल 11 100 डिवाइडेड बाय 3700। ठीक है जी, लोन लोन कितने का है? 10,000। ठीक है जी, लोन है 10,000 रुपये का, जिसमें से कि आपने 5,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया, वो वाला पार्ट तो उसको दे देंगे। ठीक है, 5,000, बाकी इसको आप बाकी ले दो डेफिशिएंट, दैट इज 5,000। ठीक है जी, अब बना लो सन्ड्री क्रेडिट, इसको डेफिशिएंसी मत को, इसको ना नॉर्मल क्रेडिटर बना दो, सन्ड्री क्रेडिट, बाकी क्रेडिटर्स में प्लेस कर देंगे। आओ जी, कैश अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस कितना है जी? 3120। टू रियलाइजेशन अकाउंट 19,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 220, बाय लोन अकाउंट, लोन वाले को हम दे ही चुके हैं 5,000, बाकी जो पकड़ेगा सन्डे राइटर्स को दे देंगे। लो जी, उन्नीस 3 22 120। देखा जाए तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 के, और 5,000 ये आ गए, 5,000 ये आ गए, 25,000 देने हैं। सोलह हजार 900 पड़े हैं, हम कहेंगे भैया यही दे सकते हैं हम आपको, लेने हैं लो जान छोड़ो। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 के तो ये थे, और 5,000 वाले लोन वाले भी आ गए, कंबाइन कर दिया हमने क्रेडिटर्स को। ये अनसिक्योर्ड है, देखा जाए तो क्या है? अनसिक्योर्ड। चुपचाप कहेंगे पकड़ो भैया तुम्हारे इतने, हमारे पास इतने ही पड़े हैं, कहानी खत्म करो। ये भी किस में चले जाएंगे? डेफिशिएंसी। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट तीन बांटना है, ए बी जी, अब इनको देने के लिए हमारे पास कोई कैश नहीं है, तो सारे का सारा चला जाएगा डेफिशिएंसी, 8,000 6,000 1,000। बाय बाय।
balance dot 2 p and at the moment. 12,000 को इक्वली बांट दो 4,000 4,000 4,000 ठीक है जी। रियलाइजेशन का लॉस 3,500 3,500 3,500 लो जी। डेफिशिएंसी इसकी इधर, इसको अब हम कैश तो लिख नहीं सकते, क्या लिखते हैं डेफिशिएंसी। बहुत आसान टाइप होता है ये वाला, बाय डेफिशिएंसी ठीक है जी। अब डेफिशिएंसी अकाउंट में कैश अकाउंट तो बचा नहीं। डेफिशिएंसी की शुरुआत कहां से हुई? क्रेडिटर्स से, टू बाय सन्डरी क्रेडिट 31,000 सॉरी डेफिशिएंसी आई एम की गलती है, 25 में चाहिए 8,100, इनकी डेफिशिएंसी आई है 8,000। तो टैली कर जाएगा ना, बाय अल्फा 384,000 टू बीटा टू गामा, तो कैश बचा नहीं, डेफिशिएंसी अकाउंट टैली कर गया 84,000। तो बस इसमें क्या है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट रोक ले, ठीक है जी। ठीक है जी, चले अगले। ये है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। देखो करोगे रेगुलर रिवाइज तभी आपके दिमाग में चीजें सेट हो पाएंगी। आप सोचोगे एक बार आपने कर लिया और सब कुछ सेट हो गया, पॉसिबल नहीं होता। रेगुलर रिवाइज, हर चैप्टर की कम से कम 5 रिविजन्स होनी चाहिए, तब जाके आप पेपर में कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके अंदर सब पोजीशन, सब पोजीशन एडवर्स है, ठीक है जी। आगे चलो, एक्सपेंसेस ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, सारे के सारे क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। अभी तक आपने पढ़ा वन पार्ट इंसॉल्वेंट, किसी में दो पार्ट इंसॉल्वेंट है, अब ये फाइनली आ गया ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21,
रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बना लेंगे पहले ही, ठीक है जी। कैश, कैश है बैंक है हमारा, बैंक कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर पहुंचेंगे अपने फ्यूचर टू सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी फर्नीचर स्टोर डन, चार लाख, एक लाख, साढ़े लाख, क्रेडिटर्स की पेमेंट रोक लेंगे, ठीक है जी। पाँच, साठ, ग्यारह, बीस, 13 लाख 20 हज़ार, 13 लाख 20 हज़ार की एसेट्स कैपिटल में आ जाओ, 1,60,000, 1,00,000, 1,00,000, लोन अकाउंट भी है इसका एक्स का 2,00,000, क्योंकि इसने बोला हुआ है सीधे सीधे एसेट्स बेच देते हैं, बाय बैटर मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेट, सात लाख बीस हजार लॉस आ गया, इक्वल वन, क्रेडिटर्स तो बैंक में आ जाओ, बैंक में आ गए 6,10,000, और तो किसी को कुछ देना नहीं हमने, हम कहेंगे भैया यही है हमारे पास, पकड़ो और निकलो, तो सारे का सारा पैसा क्रेडिटर्स को दे दिया जाए, क्योंकि आउटसाइडर की पेमेंट पहले करनी होती है, ठीक है जी। कुछ बच जाएगा तो इंटरनल पेमेंट, क्रेडिटर्स 10,00,000 के, टू बैंक अकाउंट 6,10,000, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 3,90,000, ठीक है जी। और इनका रियलाइजेशन लॉस, तीन लाख साठ हजार,
ڈیفیشنسی کا 1,20,000، 3,70,000 بائی ڈیفیشنسی اب بنائیں گے ڈیفیشنسی کو. ڈیفیشنسی اکاؤنٹ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کریڈیٹرز سے، بائی سنڈری کریڈٹ، پھر بائی ایکس کیپٹل اکاؤنٹ 1,20,000، 2 وائیز کیپٹل اکاؤنٹ، 2 زیڈ کیپٹل. یہ اپنے آپ ٹیلی کر دے گا. کوشچن دیکھا جائے تو سب سے آسان کوشچن آل پارٹنر انسالوینسی کا ہے. سب سے آسان کوشچن کس کا ہے؟ آل پارٹنر انسالوینسی. ٹھیک ہے جی.